हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर रोटेशनल मोशन से एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा फोर्स एंड मोशन चैप्टर में हम लोगों ने मोमेंटम को भी बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लिए थे। क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम का डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, ये सभी बातें जो है दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने फोर्स एंड मोशन चैप्टर के क्लासेस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लासेस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो भी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रीवियस कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते करते आगे जाना है। ओके, इसलिए प्रीवियस क्लासेस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाइड फिजिक्स वन का जो प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाने के लिए आपको सिंपली टाइप करना होगा यूट्यूब में पॉलीटेक्निक स्टडीज। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जाने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन पे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अप्लाइड फिजिक्स वन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, लेकिन एक बात है दोस्तों, हम लोगों ने लीनियर मोशन को थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो फिर उसी के साथ हम लोग रोटेशनल मोशन को रिलेट करके जाएंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते करते जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड आसानी से समझ में भी आएगा। ओके, तो चलो बात करते हैं मोमेंटम की। तो सबसे पहले तो बात करेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड ये एक स्ट्रेट लाइन बराबर इस तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है v, इसका मास क्या है m, तो इन दोनों की वजह से इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जो प्रॉपर्टी आएगा उसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन बराबर चल रहा है इसीलिए ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग स्मॉल पी से लिखते थे। ठीक है, एंड पी इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, मोमेंटम कैसे निकालते थे हम लोग, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी कर दिया तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, एम वी। ठीक है, तो ये होता था हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ओके, तो चलो अभी रोटेशनल मोशन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम को भी समझ लेते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन के केस में जो एंगुलर मोमेंटम है दोस्तों, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों वो एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कुछ इस डिरेक्शन पे ऐसे रोटेट कर रहा है। किस पॉइंट के अबाउट दोस्तों, ये पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा, इस पॉइंट के बराबर जो एक्सिस होगा दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, याद है ना, प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस के बराबर मतलब इस पॉइंट के बराबर ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो क्योंकि ये रोटेशनल मोशन में है तो इसका जो वेलोसिटी होगा दोस्तों वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, जिसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है दोस्तों, इसके एंगुलर वेलोसिटी एंड इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों चीज़ों के वजह से रोटेशनल ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी आता है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बात समझ में आया। देखो इसमें क्या है दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था इसमें मास क्या है, ठीक है, एम। ओके, तो यहाँ पे एम जो रोल प्ले कर रहा है लीनियर मोशन पे, एम का जो रोल है रोटेशनल मोशन पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रोल है। ठीक है, इसको हम लोग आगे कंपेयर करके देखने वाले हैं, पूरा एनालॉगी देखेंगे लीनियर मोशन के साथ रोटेशनल मोशन को पूरा कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो अब फिलहाल इतना मान लीजिए लीनियर मोशन के केस में एम का जो रोल है रोटेशनल मोशन के केस में आई का सेम रोल है, सेम रोल ऑफ एम। ठीक है,
एम के जैसा ही आई का रोल है रोटेशनल मोशन पे। ओके, आई को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये टॉपिक को हम लोग आगे सीखने वाले हैं इसी चैप्टर में, तब हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जान लीजिए कि लीनियर मोशन में एम का जो रोल है रोटेशनल मोशन में आई का सेम रोल है। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का, तब जाके हम लोग एनालॉगी में मतलब कंपेरिजन में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आप भी लिखिए एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंड जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, इसका जो प्रोडक्ट है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है दोस्तों, आई। ठीक है, एंड आपका जो एंगुलर मोमेंट वेलोसिटी है वो है आपका ये। ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल से। ओके, एंड कहीं कहीं पे इसको जे से भी डिनोट किया जाता है, तो कोई बात नहीं, किसी बुक में जे मिल जाएगा तो किसी बुक में आपको एल मिल जाएगा, एंड ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है, सिर्फ कुछ ही बुक्स में जे को यूज़ किया जाता है, तो जे को हम लोग नहीं लिखेंगे, एल मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, चलो डेफिनेशन फटाफट से लिख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चले जाते हैं एनालॉगी में। एनालॉगी में क्या देखेंगे, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में कंपेरिजन। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग लीनियर मोशन को लेंगे एंड दूसरी तरफ लेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन हो गया एंड इधर लेते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, तो लीनियर मोशन में क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट जो है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है, मतलब एक लाइन बराबर वो मूव कर रहा है, इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। एंड रोटेशनल मोशन पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करने लगता है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन पे। ठीक है, तो देखो अब क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ से मूव होके यहाँ पे चला आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पोजीशन है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन। ऑब्जेक्ट हमारा पहले यहाँ पे था, ठीक है, मूव होने के बाद यहाँ पे चला आया है बी पोजीशन पे। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बराबर जोड़ देंगे तो जो डिस्टेंस हमें मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं एस से। ओके, एस क्या है दोस्तों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस। ओके, तो यही पे रोटेशनल मोशन के केस में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन में पॉइंट हमारा यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद ये ऐसे घूमा है तो फिर ये यहाँ पे चला आया है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो अब इस पॉइंट को हम लोग अगर सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ अगर ऐसे जोड़ देते हैं दोनों पोजीशन को, तो जो एंगल हमें मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग थीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो रोल है दोस्तों, एंगुलर रोटेशनल मोशन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेम रोल है, ठीक है। लीनियर मोशन में एस का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में थीटा का सेम रोल है। ओके, चलो अब इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसको हम लोग वी से लिखते हैं, वी, वी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर के केस में एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, थीटा अपन में टी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ओके, देखो अब लीनियर मोशन में वेलोसिटी का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का सेम रोल है, ठीक है, सेम रोल प्ले करता है वी एंड ओमेगा। वी सिर्फ लीनियर मोशन के केस में, ओमेगा रोटेशनल मोशन के केस में, दोनों अपने जगह पे सेम है, ठीक है। ओके, एंड इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू आर वी, ठीक है, ये होता है आपका रिलेशन। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन लीनियर मोशन के केस में एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए क्या है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। ओके, तो वी अपन में टी होगा, एंड यहाँ पे होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपन में टाइम। ओके, लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन का जो, लीनियर एक्सेलरेशन का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन का सेम रोल है। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे, देखो लीनियर मोशन का जो कॉज है दोस्तों, लीनियर मोशन किसके लिए आता है, फोर्स के लिए आता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे लीनियर मोशन का रीज़न है फोर्स, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, एंड रोटेशनल मोशन पे, रोटेशनल मोशन का रीज़न है टॉर्क, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको सीखा था, टॉर्क। ओके, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, फोर्स तो हो गया दोस्तों, मास की बात करते हैं, मास, ठीक है, जिसको हम लोग एम से लिखते हैं। तो लीनियर मोशन के केस में मास का जो रोल है, रोटेशनल मोशन के केस में मास का, मास के जैसा रोल प्ले करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर लीनियर मोशन के केस में हम लोग मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम यहाँ पे लिखते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, पी इज इक्वल टू एम भी होता है, तो यहाँ पे होगा आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये होगा आपका क्या, एल से लिखते हैं इसको, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। देखो एम के केस में यहाँ पे m का इक्विवेलेंट क्या है, i, तो i लगाया, एंड यहाँ पे लीनियर मोशन के केस में v था, तो v का रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या है दोस्तों, ओमेगा, तो ओमेगा लगा दिया, बिल्कुल सेम जैसा है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है दोस्तों। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं ये एक क्रिकेट टीम है, ये दूसरा क्रिकेट टीम है, ठीक है, दोनों को हम लोग लीनियर मोशन को एक क्रिकेट टीम मान लेते हैं, रोटेशनल मोशन को भी एक दूसरा क्रिकेट टीम मान लेते हैं, ये इंडिया का है तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, कोई भी। तो
तो इंडिया के केस में मान लेते हैं ये हमारा है विकेट कीपर, तो यहाँ पे भी इस टीम पे भी विकेट कीपर तो होना चाहिए ना, तो ये विकेट कीपर हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी को मान लेते हैं कैप्टन, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन के केस में इस टीम पे भी तो कैप्टन होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा, इसमें कैप्टन का कोई अलग नाम होगा, वो दिखने में अलग होगा। ठीक है, लेकिन जो रोल है वो सेम है इस टीम के केस में। कैप्टन का जो रोल होगा इस टीम के केस में, कैप्टन का सेम रोल होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये जो एक्सेलरेशन है दोस्तों, इसको ऑलराउंडर मान लेते हैं। तो इस टीम पे भी तो ऑलराउंडर रहेगा ना, इस टीम पे भी, ये दूसरा टीम है इसमें भी तो ऑलराउंडर रहेगा। ऑलराउंडर का काम इस टीम में जो है, इस टीम में भी वही रहेगा। ठीक है, एंड ये इसको मान लेते हैं, फोर्स को मान लेते हैं हम लोग बॉलर। ठीक है, ये आपका स्पिनर बॉलर हो गया, तो यहाँ पे भी स्पिनर बॉलर है टॉर्क। एंड यहाँ पे ये मीडियम पेसर है, तो यहाँ पे भी मीडियम पेसर है। ये आपका फास्ट बॉलर है, तो यहाँ पे भी फास्ट बॉलर है। रोल जो है दोस्तों, यहाँ पे इस टीम पे मोमेंटम का जो रोल होगा, इस टीम पे एंगुलर मोमेंटम का सेम रोल होगा। ओके, ये क्या है दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट ये है, वेलोसिटी का रोटेशनल इक्विवेलेंट है ओमेगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन ए का रोटेशनल इक्विवेलेंट है अल्फा, एंड फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट है टॉर्क, मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड जो ये मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इक्विवेलेंट है एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये कंपैरिजन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी एंगुलर मोमेंटम पे फिर से। ठीक है, अब चीज़ों को समझने में थोड़ा सा ईजी लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी कंपैरिजन सीख लिए हैं। तो अभी देखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इसको हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके। ठीक है, ऑब्जेक्ट के भीतर जितने भी पार्ट्स है या फिर पॉइंट्स है उसको कंसीडर करके हम लोग निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंड दूसरा है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बोले तो पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर करके निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं ए, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन पे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा ना सर्कुलर मोशन पे। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, सॉरी रोटेशनल मोशन का फर्स्ट क्लास में ही सीखा था। रोटेशनल मोशन पे क्या होता है, रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट होता है वो फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन पे सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी पॉइंट को कंसीडर करके निकालने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो इसका एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है ना, तो ओमेगा को कंसिडर करके, मतलब इस पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर करके इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो सिंपली हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डीप। ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन करने से चीज़ें जो है थोड़ा आसान लगने लगेगा। ओके, फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मूला ही काफ़ी है आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो एक पूरा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ये आपका फिक्स पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट हमारा घूम रहा है ऐसे। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं जिसका मास है एम, एंड ये आपका ऐसे वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका लीनियर वेलोसिटी क्या है दोस्तों, वी है। ठीक है, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, तो कोई भी पॉइंट जो है दोस्तों, इसका लीनियर वेलोसिटी
टेंजेंशियल होगा, मतलब रेडियस के साथ ऑलवेज 90 डिग्री पे रहेगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता है तो इसका लीनियर वेलोसिटी इधर हो जाएगा, ओके। मतलब ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना, ओके, ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा लीनियर वेलोसिटी। तो देखो, अब इसी केस को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कैसे? ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये इसके अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, तो इसका जो रेडियस है उसको मान लेते हैं, ये है रेडियस, ठीक है, ये है आपका रेडियस। एंड ये भी को फिलहाल इधर नहीं, हम लोग इस तरफ रखते हैं तो अच्छा रहेगा, इस तरफ रखते हैं ताकि यहाँ पे एंगल बने ऐसा, ओके, इस तरह एंगल बने। लेकिन हम लोग जानते हैं जो रोटेशनल मोशन पे या फिर सर्कुलर मोशन पे हर किसी पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी होता है दोस्तों, वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी भी देखा, यहाँ पे ऐसे देखा हम लोगों ने, ऐसे ऐसे देखा, ऑलवेज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या रहता है दोस्तों, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा एंगल है। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम? तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें इधर ये जो रेडियस है इसका हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट निकालेंगे, या फिर ये जो वेलोसिटी है इसका हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। दोनों को परपेंडिकुलर रखेंगे, किसी भी हालत पे हम लोग रेडियस के साथ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रखेंगे, मतलब 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक तो ये है, हम लोग यहाँ पे आर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो कंपोनेंट है दोस्तों ये होगा आपका आर साइन थीटा, ठीक है। एक तो ये हम लोग कर सकते हैं, दूसरा क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ओके। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग इसको ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये थीटा एंगल है तो ये एंगल होगा आपका थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है ये होगा आपका वी साइन थीटा, ठीक है ना, वी साइन थीटा। मतलब हम लोग अब क्या कर सकते हैं, आर इंटू पी ऐसा था तो हम लोग आर पी के जगह पे लिख सकते हैं आपका एम वी। एंड यहाँ पे ये क्या होगा दोस्तों, हम लोग आर का अगर लेते हैं तो आर परपेंडिकुलर हो गया, अगर वी का हम लोग ऐसे कंपोनेंट लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एम वी परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। तो चलो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम लोग आर परपेंडिकुलर का वैल्यू लगा देते हैं तो होगा एम वी आर साइन थीटा। एंड यहाँ पे वी का अगर हम लोग ये कंपोनेंट लगा देते हैं तो आर एम वी साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसमें से ये काफ़ी इजी होता है दोस्तों, एंड यही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट करके यहाँ पे लिख लीजिए, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वी वी आई, ओके। एंड ये जो दूसरा इक्वेशन है एल इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा, ये ज़्यादातर केस में यूज़ नहीं होता है, ओके। थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ये यूज़ नहीं होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने देखा है दोस्तों, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किए हैं अभी अभी, ठीक है ना। तो डेरिवेशन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फॉर्मूला जो है दोस्तों, हम लोगों ने जो फॉर्मूला डेराइव किए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एल इज इक्वल टू आर, एंड इसको हम लोग लिखेंगे एम वी आर साइन थीटा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये हो गया इसका। एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल सा बात है, आई ओमेगा, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आई ओमेगा। पूरा ऑब्जेक्ट को हम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा एंड उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो ये था दोस्तों हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट देखेंगे एंड डायमेंशन देखेंगे। एंड दोस्तों एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखे हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने सीखे हैं, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग ऐसे, एम वी आर साइन थीटा, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, या फिर एम जी इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये दोनों इक्वेशन के सहारे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे कैसे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है एंड ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। अगर किसी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये पॉइंट आपका इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। ओके, तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी इस तरफ है। ओके, एंड तो यहाँ पे रेडियस को ऐसे होगा, रेडियस ऐसे होगा, रेडियस ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको राइट हैंड ऐसे लेना है, एंड राइट हैंड लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से रखना है कि ये जो हम लोग जो उंगलियाँ ऐसे मोड़ते हैं ना दोस्तों, ये किस तरफ से किस तरफ मोड़ना है, रेडियस से वेलोसिटी की तरफ। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं ले सकते। देखो ऐसे हम लोग ऐसे मोड़ेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, तो हमें रेडियस से वेलोसिटी की तरफ लेना है। तो ऐसे देखो, ऐसे अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, ऐसे रखते हैं तो हम लोग रेडियस से वेलोसिटी की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं ना। तो इस केस में हमारा जो थंब है, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन पे शो करा रहा है वही है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो इस केस में क्या है दोस्तों, इस केस में देखो, इस केस में ये जो उंगली है, थंब है, वो अंदर की तरफ ले रहा है, तो अंदर की तरफ है इसका डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ओके, एंड अगर यही वेलोसिटी इस तरफ होता तो हम लोग क्या लेते दोस्तों, ऐसे लेते एंड ऐसे मोड़ते इसको। तो ये जो उंगली दिखा रहा है, ठीक है, इस तरफ होगा इसका डायरेक्शन। ओके, वैसे ही यहाँ पे अगर ये हमारा ये जो मार्कर है दोस्तों, ऐसे लेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है इधर, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। ओके, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल या फिर क्रॉक स्क्रू रूल भी जो है दोस्तों, उसके सहारे भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग यूनिट देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का, SI यूनिट ऑफ L। ठीक है, SI यूनिट ऑफ L कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से इस फॉर्मूला के सहारे भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला के सहारे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला ले लो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग निकालते हैं। M क्या है दोस्तों, मास का ऐसा यूनिट है kg। R बोले तो आपका रेडियस का ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, एंड V वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड बोले तो ये। ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, ये हो गया हमारा SI यूनिट। ओके, तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट। अभी डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन ऑफ L बोले तो एंगुलर मोमेंटम। तो डायमेंशन निकालो, यूनिट के सहारे भी आप निकाल सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला के सहारे भी निकाल सकते हैं। चलो अभी यूनिट के सहारे निकालते हैं। ठीक है, ये kg क्या है दोस्तों, मास का यूनिट है m। ठीक है, एंड ये क्या है दोस्तों, m मीटर बोले तो लेंथ का यूनिट, तो लेंथ l का लेंथ का डायमेंशन है l, इसके ऊपर है स्क्वायर, एंड सेकेंड बोले तो टाइम का यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
डायमेंशन, फटाफट से इसको भी लिख लो दोस्तों। ओके चलो हो गया, तो आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या है दोस्तों, जायरोस्कोप, जायरोस्कोप में एंगुलर मोमेंटम का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद आइस स्केट्स, आइस स्केट्स में भी। ओके तो आइस स्केट क्या होता है दोस्तों, वो आइस के ऊपर ऐसे खड़े रह के ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, जो जिमनास्ट होते हैं वो ऐसे 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 रोल करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये एंगुलर मोमेंटम आता है। ओके तो एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, आइस स्केटर एंड जायरोस्कोप, ठीक है। चलो तो दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे की क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये दोनों का रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखना, एंड स्टडी बराबर करते रहना, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा जो सिलेबस है दोस्तों उसको मैं फिनिश कर दूँ, ठीक है। ओके तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।